तो प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा में। और आपको बता दें कि ये प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया, जो कि कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुए थे, और इनमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो आपको ये राष्ट्रमंडल खेल कहाँ और कब हुए, ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे की कील का। क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा, थर्माकोल और बर्फ का टुकड़ा जल के ऊपर तैरेगा, इनका घनत्व जल से कम है, लेकिन लोहे की कील डूब जाएगी, इसका मतलब इसका घनत्व जल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार, जो कि 3 जून 2009 को बनी और ये बिहार के सासाराम जिले से थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता यानी समानता। और अगर अनुच्छेद पूछे तो भाग 3 14 से 18। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसबॉल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन के तहत। और आपको बता दें कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। वैसे तो दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की राजधानी बनाने की आधारशिला 12 दिसंबर 1911 को रख दी गई थी, लेकिन 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया। इम्पोर्टेंट डेट है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। और संविधान के 69वें संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि 1858 में इलाहाबाद सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, तो ये इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड डेरी हॉलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, J.K. रॉलिंग। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में। और यह लंदन में 1863 में शुरू की गई थी, लेकिन भारत में 1972 में कोलकाता में शुरू की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को नोट डाउन भी करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2014 तक के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प नीति लाल डलहौजी की एक सोच थी, और लाल डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था। तो ये कुछ जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनर नॉलेज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। वैसे भी टेलीग्राम पर काफ़ी सारे नोट्स और पीडीएफ फाइल हैं, आप जा करके ले लीजिए। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी नोट्स के लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि नोट्स वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचते रहें।